नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका इस डिफेंस सेगमेंट में। और इस डिफेंस सेगमेंट में हम बात करेंगे, जैसा कि हमने कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट किया था, कि आज ये एक ऐसी खबर आई है कि इंडियन नेवी ने अपने लिए 6 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन पे काम करना शुरू कर दिया है। जैसा कि आपको पता ही होगा, इस बारे में 2017 में खबरें आ गई थी कि इंडियन नेवी तकरीबन 6 की मात्रा में SSN न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बनाने वाली है, और उसके लिए 2017 में ही इसके डिजाइन पे काम करना शुरू हो गया था। लेकिन अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि इंडियन नेवी इसके एक एक्चुअल मॉडल पे काम करना स्टार्ट करने वाली है, और ऐसी उम्मीद है कि जल्द ही एक एक्चुअल मॉडल पे इसे टेस्ट किया जाएगा। तो इस डिफेंस सेगमेंट में जानेंगे कि ये न्यूक्लियर पावर सबमरीन कितना पावरफुल है और किस तरह का सबमरीन होने जा रहा है। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया जाके सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं इस डिफेंस सेगमेंट की तरफ। तो सबसे पहले, जैसा कि आप सब जानते होंगे, जो भी डीजल सबमरीन होते हैं उनको बार बार अपने फ्यूल या फिर गैस रिलीज करने के लिए सर्विस पे आना पड़ता है, और जिसकी वजह से उनको ट्रैक करना काफी आसान हो जाता है दुश्मनों के द्वारा। तो एक लंबे ड्यूरेशन के लिए वाटर के अंदर रहने के लिए न्यूक्लियर सबमरीन, जो कि न्यूक्लियर पावर्ड हो, ये काफी आवश्यक हो जाता है। और जैसा कि आप सब जानते होंगे, इंडिया के पास ऑलरेडी 2 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन ऑपरेशनल है, जिसमें से पहला आप जानते होंगे INS अरिहंत, जो कि अरिहंत क्लास सबमरीन है। वहीं पे दूसरा जो कि हमने लीज पे लिया हुआ है रशिया से, वो है कुला क्लास सबमरीन। और हाल ही में हमने एक डील साइन की है रशिया के साथ, जो कि तकरीबन $3 बिलियन की थी, जैसा कि हमने पहले भी रिपोर्ट किया हुआ है। और इस डील के अंतर्गत एक और अकुला क्लास सबमरीन, जिसे चक्रा 3 का नाम दिया जाएगा, वो आपको 2021-2022 में मिल जाएगा लीज पे। और हम पहले भी रिपोर्ट कर चुके हैं कि 2017 में अरिहंत क्लास के सेकेंड न्यूक्लियर सबमरीन को लॉन्च किया गया था, और वो अपना ट्रायल जल्द ही कम्प्लीट करेगा। लेकिन अब ऐसी खबरें आ रही हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के 6 न्यूक्लियर सबमरीन को कंस्ट्रक्ट करने को लेके था, और ये प्रोजेक्ट 2015 में सामने आया था, और इसके अंतर्गत तकरीबन 6 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन मैन्युफैक्चर किए जाने थे, और इस प्रोजेक्ट का नाम SSN था। और इस बारे में 2017 में नेवी एडमिरल सुनील लामा जी ने बताया था कि इसके डिजाइन पे वर्क शुरू कर दिया गया है। लेकिन अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि इस पे सब्सटेंशियल वर्क कंप्लीट कर लिया गया है, और इसके हल के कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल का सिलेक्शन चल रहा है, और जल्द ही इसके एक स्केल डाउन मॉडल पे टेस्ट किया जाएगा। और इन सभी काम को कंप्लीट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने तकरीबन 100 करोड़ अलॉट किए हैं इनिशियली, और ऐसा अनुमानित है कि 2025 तक ये प्रोजेक्ट अपने फुल फ्लेज प्रोडक्शन को छुएगा। तो सबसे पहले जो भी इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होने वाले हैं और जो भी पैरामीटर्स हैं उन पर बात कर लेंगे, उसके बाद एक डिटेल्ड बात करेंगे कि किस तरह का इसका न्यूक्लियर रिएक्टर होने जा रहा है, क्योंकि इंडियन नेवी ने अभी तक दो तरह के मरीन न्यूक्लियर रिएक्टर को ऑपरेट किया है, जो कि INS अरिहंत में था और चक्रा क्लास 2 में था। तो इन दो तरह के न्यूक्लियर रिएक्टर को देखने के बाद कुछ ऐसा ही न्यूक्लियर रिएक्टर ऐसा अनुमानित है कि बनाया जाएगा, और इसी को हम एनालाइज करेंगे कि किस तरह के ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। तो सबसे पहले जो कि एक स्पेसिफिकेशन इंडियन नेवी टारगेट कर रही है उस पर बात कर लेते हैं इन 6 सबमरीन्स को लेके। तो ऐसा अनुमानित है कि इसकी स्पीड सबमर्ज हालत में 60 से लेके 65 किलोमीटर पर आर की होने वाली है। वहीं पे अगर आप बात करते हो सरफेस पे, तो सरफेस पे इसकी स्पीड 25 से लेके 30 किलोमीटर पर आर होगी, और ये सबमरीन 100 से लेके 150 दिनों तक अंडर वाटर रहने में कम्प्लीटली सक्षम होगा। वैसे तो किसी भी सबमरीन की जो एंड्योरेंस है वो उसके पावर कैपेसिटी पे डिपेंड करती है, लेकिन आपको न्यूक्लियर सबमरीन में फूड या फिर रेगुलर जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स हैं उनके लिए आपको ऊपर आना पड़ता है। तो आपको इन सभी चीज़ों को रीलोड करने के लिए अपनी कैपेसिटी के हिसाब से तकरीबन 100 से 150 दिनों में ऊपर आना ही पड़ेगा। और ये सबमरीन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि तकरीबन 600 मीटर की डेप्थ में ट्रैवल कर सकता है, और ऐसा बताया जा रहा है कि तकरीबन 12 छोटे टॉर्पीडो और 12 ही मीडियम साइज के टॉर्पीडो ये कैरी करने में सक्षम होगा। वहीं पर 8 लार्ज साइज के टॉर्पीडो ये कैरी कर सकेगा, और तकरीबन 1 से लेकर 3 तक ये सरफेस टू एयर मिसाइल कैरी करने में भी सक्षम होगा। तो ये इसकी एक जनरल स्पेसिफिकेशंस हैं। तो अब बात कर लेते हैं हल की, कि किस तरह का हल इसे डिज़ाइन किया जा रहा है, क्योंकि मैंने अभी कुछ कमेंट्स में पढ़े हैं कि ये किस प्रोजेक्ट में इतना डिले क्यों हो रहा है, ये प्रोजेक्ट इतनी जल्दी क्यों नहीं बन रहा है। आप सबको बता दूं ये सारी चीज़ें इतनी आसान नहीं है। सबसे पहले बात करेंगे हल की, कि हल किस तरह का होता है। इसके हल की डिजाइनिंग के लिए इसके हल को तकरीबन 8 सेक्शन में बांटा जाएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हल होता क्या है। तो हल बेसिकली आपके जो भी सबमरीन्स हैं वो अंडर वाटर एक पर्टिकुलर डेप्थ में, जैसे कि यहाँ पे इसे अगर आप 500 से 600 मीटर तक की डेप्थ में ट्रैवल करने के लिए मैन्युफैक्चर करना चाहते हो, तो उस डेप्थ में जो भी प्रेशर आपको मिल रहा होगा वाटर के थ्रू, तो वो प्रेशर कहीं ना कहीं 12 से लेकर 15 एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो इस तरह के एटमोस्फेरिक प्रेशर को झेलने के लिए हल की आवश्यकता पड़ती है, और ये हल बेसिकली आपके सबमरीन को एक एक्सटर्नल लेयर के रूप में प्रेशर से प्रोटेक्ट करता है। और हल के यहाँ पे बहुत सारे काम हैं,
जैसे कि हल में एक और लाइनिंग दी जाती है और ये लाइनिंग रबर टाइल्स की होती है, तो इन लाइनिंग के हल के दीवार में लग जाने से जो भी आपके साउंड जनरेट होते हैं तो वो इंटरनल साउंड को ये कम करता है, वहीं पे दुश्मन के सुनार के जो सिग्नेचर्स होते हैं उनको डिफरेंट डायरेक्शन में भी भेजता है। तो ये हल पे की गई कोटिंग जो कि एक रबड़ की होती है उसका ये काम होता है। तो यहाँ पे हल को एक एक्सट्रीम टेम्परेचर को झेलने के लिए एक स्पेसिफिक मटेरियल की जरूरत पड़ती है। तो जनरली सबमरीन्स में HY-100 हाई एंड्योरेंस स्टील का यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे इंडियन नेवी कुछ और टारगेट कर रही है, इसीलिए इसके हल की डिजाइनिंग के लिए एक अलग ही तरह के अलॉय मटेरियल का यूज किया जाएगा जो कि कैपेबल होगा और भी एक्सटर्नल प्रेशर को बियर करने में। और जैसा कि हमने बताया है कि इसके हल को तकरीबन 8 सेक्शन में बांटा गया है, तो ये 8 सेक्शन में इसलिए बांटा जा रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन के थ्रू अदर काम किए जा सके। जैसे कि कुछ सेक्शन से जितनी भी वायरिंग होगी वो ट्रांसमिट की जाएगी, कुछ सेक्शन से टॉरपीडो के लिए ऑप्शंस दिए जाएंगे और कुछ सेक्शन से जो तैराके होंगे उनके मूवमेंट के लिए स्पेस दिया जाएगा। तो इस तरह की सभी चीज़ों को प्लान करके हल की डिजाइनिंग की जाती है। तो टेक्निकली ये हल्स एक तरह के प्रेशर वेसल के रूप में काम करते हैं। अब बात करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स की, तो ये किस तरह के मरीन न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं या फिर हमारे इन 6 सबमरीन्स में किस तरह का मरीन न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया जाएगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली INS अरिहंत के तर्ज पे ही होगा। जैसे कि आप सबको पता ही होगा INS अरिहंत का जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो तकरीबन 83 मेगावाट का है, तो इतने पावर को हम एक्सट्रीमली हाई तो कंसिडर नहीं कर सकते, लेकिन एक मीडियम क्लास आप कह सकते हो कि 83 मेगावाट का जो रिएक्टर है जो INS अरिहंत में लगा हुआ है। और इस 83 मेगावाट के रिएक्टर को इंडिया के भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने डेवलप किया है INS अरिहंत के लिए, और ऐसा अनुमानित है कि भाभा ही एक और एडवांस मरीन न्यूक्लियर पावर रिएक्टर डेवलप करेगी इन 6 सबमरीन्स के लिए, जो कि कहीं ना कहीं 90 से लेकर 100 मेगावाट तक प्रोड्यूस करने में सक्षम होंगे पावर। जैसा कि आप सब जानते होंगे तकरीबन 4 किलो के यूरेनियम के साथ आपका सबमरीन 1,00,000 किलोमीटर ट्रैवल करने में सक्षम होता है, लेकिन आपको फिर भी कुछ ज़रूरत के सामानों के लिए ऊपर आना ही पड़ता है। तो जान लेते हैं कि इस तरह के न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाने में इतना टाइम क्यों लगता है और ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स किस तरह से ग्राउंड के न्यूक्लियर रिएक्टर से डिफरेंट होते हैं। जैसा कि आप सब जानते होंगे जापान के फुकुशिमा में क्या हुआ था, जैसे ही वहाँ पे अर्थक्वेक आया था तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर था उसका जो स्ट्रक्चर था वो स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हुआ था, और जिसकी वजह से न्यूक्लियर रिएक्टर में पड़े जो फ्यूल रॉड्स थे तो उन फ्यूल रॉड्स ने वाटर को बॉयल किया और स्टीम में कन्वर्ट किया। लेकिन दूसरी तरफ अर्थक्वेक आ जाने से जो भी पावर कंजम्पशन था पावर का कंजम्पशन रुक गया था, लेकिन जो पावर का प्रोडक्शन था वो नहीं रुका था, और जिसकी वजह से ये पूरा रिएक्टर हीटअप हो गया और इसका परिणाम ये हुआ कि पूरा जो कोर था वो मेल्टडाउन हो गया और स्टीम्स एक एक्सट्रीम प्रेशर के रूप में इस वेसल्स में इकट्ठे हो गए, और जिसकी वजह से ये पूरा स्ट्रक्चर ब्लास्ट कर गया था। ठीक इसी तरह के कंडीशंस को बचाने के लिए, जैसा कि आप सब जानते होंगे सबमरीन्स ट्रैवल करते रहते हैं और डिफरेंट डिफरेंट तरह के मोशंस में वो हमेशा रहते हैं, और जिसकी वजह से इन सभी चीज़ों को कंसिडर करते हुए कुछ इस तरह का न्यूक्लियर रिएक्टर डेवलप किया जाता है जो कि हर तरह के मोशन को झेलने के बाद भी अपना काम जारी रख पाए। सो इस चीज़ के लिए यहाँ पे मेनली जिरकोनियम अलॉय का यूज़ किया जाता है, जबकि लैंड बेस्ड रिएक्टर्स में अमूमन सिरामिक का यूज़ किया जाता है। और न्यूक्लियर रिएक्टर को डिज़ाइन करते वक्त ये भी चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं कि इस रिएक्टर से जो भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो 1500 मीटर पर सेकेंड से कम का हो। तो इन सभी चीज़ों को कंसिडर करते हुए किसी भी रिएक्टर को डिजाइन करना एक काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है। तो बेसिकली हमारे जो ये रिएक्टर्स होने वाले हैं प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स होंगे, जिनमें क्या होगा जो भी आपके फ्यूल रॉड्स होंगे वो वाटर के अंदर डीप होंगे, और जैसे ही इन फ्यूल रॉड्स में जो एटॉमिक फिशन रिएक्शन होता है वो स्टार्ट होगा। हालांकि किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर में जहां पे एक स्पेस कम होता है न्यूट्रॉन का फिशनेबल रिएक्टर्स के साथ टकराना एक मुश्किल काम हो जाता है किसी भी छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए, और अमूमन ऐसा होता है कि ये जो भी न्यूट्रॉन्स होते हैं ये फिशनेबल जो भी न्यूक्लियस होते हैं उनको छोड़ के अपने शील्डिंग में दोबारा चले जाते हैं, और इनके टकराने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं एक छोटे से स्पेस होने की वजह से। और इसीलिए जो भी सबमरीन्स होते हैं या फिर जो भी छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं इनमें हाई क्वालिटी के यूरेनियम चाहिए होते हैं, जो कि आप जानते ही होंगे जो U-235 होते हैं वो आपके लैंड बेस्ड रिएक्टर्स में भी यूज हो जाएंगे, लेकिन उससे जो इन्हेंस होता है U-238 उसे आप इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ करोगे क्योंकि वो एक हाई क्वालिटी का एनरिच्ड यूरेनियम है। तो जैसे ही ये फिशन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती हैं तो उसके बाद ये फिशन रिएक्शन के होने के बाद एक हीट रिलीज होता है, और इस हीट से ये वाटर बॉयल होता है। जैसे ही ये वाटर ट्रैवल करता है वहाँ पे ये हीट एक्सचेंजर में अपने हीट को एक्सचेंज करता है एक दूसरे वाटर के साथ, और वो दूसरा वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है, वो जो स्टीम होता है वो जाके आपके टर्बाइन्स पे
इम्पैक्ट करते हैं और टर्बाइन को मूव कराते हैं, और टर्बाइन के मूवमेंट्स के बाद वो टर्बाइन कनेक्टेड होता है एक जनरेटर से, जहाँ पे जनरेटर अपनी पावर्स प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह का ये पूरा प्रोसेस है। तो यहाँ पे कोरोजन और मेंटेनेंस को कम करने के लिए हम हीट एक्सचेंजर का यूज़ कर रहे हैं, और ऐसा अनुमानित है कि प्रेशराइज वाटर रिएक्टर में मोस्ट प्रोबेबली हम बॉइलिंग वाटर रिएक्टर्स यूज़ करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों के बारे में बात करने का मतलब यही था कि एक किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर को एक छोटे से स्पेस में कन्फाइंड करने के लिए, और वो भी तब जब आप ऐसी टेक्नोलॉजी पे पहली दफ़ा काम कर रहे हो या फिर इनिशियल स्टेज में हो, आपने ये टेक्नोलॉजी अभी मास्टर नहीं की है, तो आपको कहीं ना कहीं टाइम देना पड़ेगा। और इसी वजह से 2025 के बाद ही आपको इसके जो प्रोडक्शन है वो आपको फुल फ्लेज दिख सकते हैं। तो इस तरह के न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को मैन्युफैक्चर करने की जो प्राइसिंग है वो आपको कहीं ना कहीं $1 बिलियन के ऊपर ही पड़ेगी पर यूनिट के लिए। सो इस डिफेंस सेगमेंट में इतना ही। और आपको वीडियो पसंद आई है, गिव अस अ लाइक, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। जय हिंद।